आज रामायण के बहुत ही सुंदर एक चरित्र की चर्चा करते हैं, जो मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है, वो है शबरी। जो बहुत जगह पे हम रामायण में सुनते हैं कि ये काल्पनिक चरित्र है, ये वाल्मीकि रामायण जो 2000 साल पुरानी है उसमें भी कहीं इसका वर्णन नहीं है। फिर हम कंब रामायण है तमिल में 1000 पुरानी, उसमें भी इसका कहीं जिक्र नहीं है शबरी का। और रंगनाथ रामायण है वो 800 साल पुरानी है, उसमें भी कहीं हम जिक्र नहीं पाते शबरी का। फिर बलराम दास हैं उड़िया रामायण राइटर या उड़िया साहित्य राइटर, वो 500 साल पुराना है, उसमें हम शबरी का कहीं थोड़ा जिक्र पाते हैं, जिसमें शबरी का जिक्र होता है लेकिन बेर का जिक्र नहीं होता है, आम का जिक्र होता है, आम फल का जिक्र होता है। और तुलसीदास रामायण में भी कहीं नहीं पाया जाता शबरी नाम का चरित्र। लेकिन आध्यात्म रामायण जो स्वयं व्यासदेव द्वारा कृत है, जिसमें ये एक जिक्र आता है जहाँ पे कि गिरिजा माँ पार्वती को शिव जी ये कथा सुनाते हैं, शबरी की कथा, राम और शबरी की कथा। तो हम इसको काल्पनिक नहीं मान सकते क्योंकि व्यासदेव जो द्वारा कृत है, तो हम इसको काल्पनिक नहीं मान सकते। शिव जी माँ पार्वती को सुना रहे हैं तो काल्पनिक चरित्र तो हम नहीं मान सकते। तो सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं है शबरी का चरित्र। तो शबरी की कहानी आप सब लोग जानते ही होंगे कि एक्चुअली शबरी नाम नहीं है, ये एक जाति सूचक शब्द है। एक शबर नाम की जाति होती है उड़ीसा में, जो आदिवासी गण होते हैं, ये शबर नाम की एक जाति होती है। या जैसे अगर हम भिलनी बोलते हैं तो वो भिलनी में भील जाति होती है, तो ये आदिवासी भील जाति होती है, तो जाति सूचक है। और जबकि हम नाम का जिक्र करें तो मेरे सामने नाम, मैं नहीं पढ़ पाई कहीं नाम शबरी का, नाम क्या हुआ करता था, तो मेरे सामने वो आया नहीं। मैं शबरी और भीलनी के नाम से ही इस चरित्र को जानती हूँ। ये विवाह योग्य कन्या रहती है और इनकी इनकी विवाह के समय इनकी दृष्टि पड़ती है कि इनके घर के बाहर हंड्रेड्स ऑफ पशु बंधे हुए हैं, बाहर बांधे हुए हैं। शादी की पूरी तैयारियां हैं, नेक्स्ट डे शादी है, लेकिन यहाँ पे विवाह उत्सव से पहले शबरी की नज़र पड़ती है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे पशु बंधे हैं। पूछे जाने पर उसको पता लगता है कि ये सारे बहुत सारे पशु केवल उनके विवाह के उत्सव पर घर आए अतिथियों को भोजन के रूप में परोसे जाने के लिए लाए गए हैं और उनको बांध के रखा गया। अगले दिन उन सबका वध होगा और वो भोजन के रूप में अतिथियों को परोसे जाएंगे। बस इतना सुनना था कि शबरी के मन में विरक्ति आ गई कि ऐसा विवाह करना क्यों है, जिस विवाह के करने से इतने बेजुबान पशुओं की हत्या हो जाएगी, ऐसा विवाह करना क्यों, घर छोड़ के निकल गई। जब वो घर छोड़ के निकली तो वो सीधे वन की तरफ चल दी और वन में मतंग ऋषि के आश्रम तक वो पहुंची हैं। और यहाँ बताया जाता है कि मतंग ऋषि अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते हैं और उस आश्रम में शबरी की, क्योंकि एक तो फीमेल है, एक शबर जाति की है, निम्न जाति की है, तो उसको एंट्री अलाउड नहीं है, तो वो शबरी उस आश्रम के बाहर रहने लगती है। अब उस आश्रम के बाहर रहती है तो उन ऋषि और आश्रम वासियों के उठने से पहले आश्रम की सोहनी सेवा करके या उनके कपड़े धोके या जो भी वहाँ सेवाएं हुआ करती थी वो सब सेवा करके अलग हट जाया करती थी, सो दैट उन पूरे आश्रम के लोगों को कभी पता नहीं लगा कि सेवा करता कौन है। धीरे धीरे कहानी यहाँ तक पहुंची कि लोग नोटिस करने लगे कि करता कौन है, जब सब उठते हैं एक समय पे तो कौन सबसे पहले उठ के ये सेवा कर रहा है। तो चेक किया गया तो पता लगा कि कोई आती है शबरी जो ये सब कर रही है, एक निम्न जाति की भीलनी। तो मातंग ऋषि तक ये बात पहुंची तो मातंग ऋषि को इन सब ने शिकायत की कि वो तो निम्न जाति की है, दूसरे वो स्त्री है तो हमारे आश्रम में उसकी एंट्री की होती है, पूरा अपवित्र कर दिया, अशुद्ध कर दिया। लेकिन मातंग ऋषि इस बात से आहत न होके वो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं कि वो उसका सेवा भाव कितना स्ट्रांग है, कि वो इतने स्ट्रांग सर्विस एटीट्यूड से वो पूरे आश्रम की सेवा और सफाई कर रही है, कि वो एक भक्त भक्त के प्रति सेवा भाव रख के आश्रम की सेवा कर रही है। तो मतंग ऋषि उसको भी अपने शिष्यों के दल में सम्मिलित कर लेते हैं,
उनको दीक्षा दे देते हैं एंड ऑल। लेकिन जैसे ही मतंग ऋषि जब शरीर छोड़ के जाने लगते हैं तो यहाँ शबरी को थोड़ा कष्ट होता है कि उनके पास अब कोई नहीं है, परिवार वो छोड़ चुकी है, गुरु मतंग ऋषि अब कह रहे हैं वो छोड़ के चले जाएंगे तो वो उसको कौन सा सहारा होगा क्या होगा। तो यहाँ मतंग ऋषि उनको शबरी को ये ढांढस बंधाते हैं कि तुम्हारा जन्म तो श्री राम के दर्शन के लिए हुआ है, तुमको तो श्री राम स्वयं आएंगे दर्शन देने, तुमको करना कुछ नहीं है, तुमको बस बैठ के रोज श्री राम की के लिए इंतजार करना है, श्री राम तुमको दर्शन देने खुद आएंगे। अब यहाँ पे मतंग ऋषि ने जो गुरुदेव हैं शबरी के, ये नहीं बताया कि उस डेट को या उस समय पे या उस मुहूर्त में तुम्हारे रामचंद्र आएंगे तुमको दर्शन देने, बस इतना बताया रामचंद्र आएंगे। अब यहाँ पे शबरी को गुरुदेव की बातों पे भरोसा हुआ और वो भी पंप सरोवर आई थिंक के पास अपने कुटीर बना के रहने लगी और हर रोज उहारती थी, झाड़ती थी, सजा के रास्ता साफ करके रखती थी कि क्योंकि उसको भरोसा है कि श्री रामचंद्र आएंगे क्योंकि गुरुदेव ने बोला है आएंगे। और इस इंतजार में शबरी बूढ़ी हो जाती हैं, शरीर उनका बूढ़ा हो जाता है और श्री रामचंद्र आते हैं। और जब श्री रामचंद्र आते हैं तो फुल ऑफ इमोशंस शबरी उनको, सब जानते हैं कि उनको बेर चख के खिलाती है कि कहीं श्री रामचंद्र को मैं कोई खट्टा बेर ना खिला दूँ, तो मीठे बेर श्री रामचंद्र तक जाएं के लिए वो चख के श्री रामचंद्र को बेर खिलाती है। तो ये सेवा भाव, ये प्रेम भाव, ये समर्पण, ये अश्रुधारा देख के श्री रामचंद्र बहुत मोहित होते हैं और रोती हुई शबरी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने श्री रामचंद्र की तृष्णा, श्री रामचंद्र की भूख को शांत किया। यहाँ शबरी श्री रामचंद्र को धन्यवाद देती है कि आप मुझ जैसी भिलनी के पास पधारे, आप मुझ जैसी आप पवित्र स्त्री के पास पधारे, आप भगवान हैं, आपका धन्यवाद है। अब ये प्रसंग के विषय में सब जानते हैं कि इमोशन से भरा हुआ ये प्रसंग है और हम देखते हैं कि जब भी हम ये कई मंचन देखते हैं तो आंखों से अश्रुधारा हमारे भी बहने लगती है, हम भी इमोशनल हो जाते हैं ये प्रसंग को देख के। अब यहाँ जब शिक्षा की बात आती है तो शबरी जो कैरेक्टर है रामायण का, वो तो नवदा भक्ति की शिक्षा प्रदान करने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ना। नवदा भक्ति की पूरी प्राकाष्ठा शबरी में हम देख पाते हैं, है ना। और एक साधारण मनुष्य होने के नाते जो मुझे आकर्षित करता है या जो मैं भी आपको भी आकर्षित करता हो कि शबरी का पेशेंस, सब्र, जो जिस सब्र से उसने, श्री रामचंद्र अभी धरती पे आए भी नहीं हैं, ये कई 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 प्रसंग में आता है कि श्री रामचंद्र ने जन्म भी नहीं लिया तब से शबरी उनका इंतज़ार करना शुरू कर दिया था शबरी ने। तो वो पेशेंस जो शबरी का है वो मुझे बहुत लुभाता है। और सेकंड, गुरु के प्रति जो विश्वास, जो श्रद्धा भाव शबरी के कैरेक्टर से हमें देखने को, सीखने को, समझने को मिलता है, वो बहुत इंस्पायरिंग है कि केवल गुरु के शब्दों पे भरोसा करके पूरा जीवन उन्होंने श्री रामचंद्र के इंतज़ार में बिता दिया। जैसे हर रोज़ रास्ता बुहारना, अपनी कुटिया को सवार के तैयार रखना, फल जंगल से फल चुन के ला के तैयार रखना कि क्या पता आज आ जाए, क्या पता आज आ जाए, और आज आ जाए, श्री रामचंद्र के इंतज़ार में पूरा जीवन बिता देना, बिना बेसब्र हुए, बिना इम्पेशेंट हुए, ये मेरी दृष्टि में ऐसा कोई पेशेंटली पूरा जीवन बिता देने वाला कैरेक्टर मेरी समझ में या मेरी दृष्टि में या मेरी इंफॉर्मेशन में ऐसा कोई कैरेक्टर है नहीं, मुझे नहीं मिला एटलीस्ट कि इतना पेशेंटली श्री राम का इंतज़ार करते हुए पूरा जीवन बिता देने वाला। और ठीक इसका उल्टा हम लोग हैं, आज हमने कुछ सेवा शुरू की, कल हमें उसका रिजल्ट चाहिए, है ना। हमको जब करते हुए शायद 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, हमको लगता हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम इम्पेशेंट होने लगते हैं, हम रोने लगते हैं, हमारा जी कुछ हो नहीं रहा, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमसे कुछ नहीं हो रहा,
हम किसी योग्य नहीं हैं, या फिर 2 4 5 साल सेवा करके हमें लगता है हमें तो धामवास चाहिए, अब हमने बहुत सेवा, बहुत हरिनाम सेवा कर ली, अब तो हमें वृंदावन वास चाहिए, है ना, अब तो हम वृंदावन में जाके ही साधन भजन करेंगे, है ना, या फिर हम 5 साल 6 साल सेवा हरिनाम जप करने के बाद ऐसा लगने लगता है हम तो बड़े महान भजनानंदी बन गए, भजनानंदी हो गए, अब हमें किसी का संग नहीं चाहिए, अब हमें हमें अकेले भजन करना है, हम पेशेंस खोने लगते हैं, हम वो सब्र खोने लगते हैं, हमें लगता है कि हमें फटाफट रिजल्ट मिलना चाहिए, जबकि पूरा जन्म हम शबरी का देखते हैं, और जबकि बाकी और कैरेक्टर्स में भी हम, बाकी और साहित्यों में हम देखते हैं या बाकी और स्क्रिप्चर्स में हम जब देखते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको कई जन्म तक इंतज़ार करना पड़ा, तो वो शबरी का कैरेक्टर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है जो आप हमको ये शिक्षा देता है कि पेशेंटली बैठ के इंतज़ार एटलीस्ट करना सीखें, गुरु के शब्दों पे भरोसा करना एटलीस्ट सीखें, गुरु ने बोला है आपका हरि नाम जप करने से उद्धार निश्चित होगा, तो हमें इम्पेशेंट होके रोना धोना शिकायतें करना या बहुत बेचैन हो जाना ये सब शोभा नहीं देता। हम जब जप करना शुरू करते हैं बहुत उत्साह से करते हैं, बहुत उत्साह से सब सेवाएं करना शुरू करते हैं, धीरे 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 वो उत्साह कम होने लगता है ना, वो जोश नहीं रहता कि हमें पुराने फीलिंग्स नहीं रहती, उस फीलिंग्स से हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो ठंडा पड़ जाता है। जबकि शबरी के कैरेक्टर में हम देखते हैं कि उनके पूरा जीवन उन्होंने श्री रामचंद्र के इंतज़ार में ऑलमोस्ट पूरा जीवन उन्होंने बिता दिया, और बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कंप्लेन के वो श्री रामचंद्र का इंतज़ार करती रही। तो शबरी से 2 शिक्षाएं हमारी निश्चित है कि गुरु के शब्दों में भरोसा, और सेकंड सब्र के साथ रिजल्ट का इंतज़ार करना, है ना, जबकि रिजल्ट पे हमारी सक्सेस डिपेंड करती ही नहीं है आध्यात्मिक जगत में। शबरी एक दिन भी नहीं ढीली पड़ी अपनी सेवाओं में, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि आज चलो सफाई नहीं करते हैं, रामचंद्र तो आ ही नहीं रहे हैं, क्या पता आज भी आएंगे कि नहीं, चलो आज सफाई नहीं करते हैं, या आज फल अरेंज करके नहीं रखते हैं, या आज पता नहीं आएंगे कि नहीं, है ना, ऐसा ढीली नहीं पड़ी शबरी माँ। शबरी माँ प्रतिदिन उसी एंथुजियाज्म से सेवा करती थी, सफाई करती थी, फल एकत्रित करती थी, और श्री रामचंद्र की सेवा का इंतज़ार करती थी।